हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 प्रो 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 13 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर MI मूवर ऐप्स के ज़रिए ओल्ड फ़ोन का डाटा न्यू फ़ोन में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि ओल्ड फ़ोन का डाटा न्यू फ़ोन में ट्रांसफ़र कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना होगा। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको जाना होगा यहाँ से प्ले स्टोर आइकन्स पे। प्ले स्टोर आइकन्स पे जाकर जब आप यहाँ पर सर्च करते हैं MI मूवर, तो MI मूवर ऐप्स आपका यहाँ पर सर्च करते ही आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का शो करेगा, तो आपको इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते ही ओपन कर लेना है। ओपन करते ही कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड आ जाएगा आपके फ़ोन में, जिसके ज़रिए आप ओल्ड फ़ोन है आपके पास तो आप ओल्ड फ़ोन के ज़रिए आपको अपने फ़ोन का डाटा न्यू फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको इसके लिए अपने फ़ोन में स्पेस भी चाहिए होगा। एंड आप न्यू फ़ोन है आपके पास, जो भी 13 प्रो जो भी आपके फ़ोन है, तो अपने पुराने फ़ोन का डाटा आप न्यू फ़ोन में इस तरीके से ले सकते हैं। और आपके पास रेडमी या शाओमी का फ़ोन है, तो उसको यहाँ से आप उस पर टैप कर सकते हैं और उसका नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। या आपके पास कोई भी अदर्स कंपनी का फ़ोन है, जैसे ओप्पो, वीवो या फिर आईफोन वगैरह, तो उसका इसके ज़रिए आपको इस पर टैप करना होगा। यहाँ से अपने डाटा को, ओल्ड फ़ोन के डाटा को इसके ज़रिए अपने फ़ोन में ले सकते हैं। तो इस तरीके से MI मूवर का ऐप्स यूज़ कर सकते हैं और ओल्ड फ़ोन का डाटा अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो